हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड जावा। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जैसे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ एंड जावा इंटरप्राइज एडिशन थी, इसके अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड डिफरेंट प्लेटफॉर्म हमने देखे थे। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, दैट इज एन जावा इंटरप्राइज एडिशन। जावा इंटरप्राइज एडिशन क्या है, तो वही उसके रिगार्डिंगली आज हम हमारा सेक्शन लेने वाले। तो व्हाट इज एन जावा इंटरप्राइज एडिशन और जावा इंटरप्राइज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है जावा इंटरप्राइज का, एंड उसके अकॉर्डिंगली उसका एक आर्किटेक्चर देखेंगे एंड डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, तीन की पॉइंट इसके अंदर आज हम देखने डिस्कस करने वाले। फर्स्ट, व्हाट इज एन इंटरप्राइज एप्लीकेशन, देन आर्किटेक्चर ऑफ इंटरप्राइज एप्लीकेशन, थर्ड इज एन डिफरेंट चैलेंजेस कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन को हमें डेवलप करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंटरप्राइज एप्लीकेशन। ओके, नॉर्मल जो हमारे बिजनेस एप्लीकेशन होते हैं, जस्ट लाइक इन इंटरप्राइज एप्लीकेशन इज एन बिजनेस एप्लीकेशन जो हम फॉर एन बिजनेस पर्पज डिजाइन करते हैं। ओके, सिंपल, जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन इज एन बिजनेस एप्लीकेशन इट इन टूडेज कॉर्पोरेट एनवायरमेंट। द इंटरप्राइज एप्लीकेशन आर जस्ट लाइक कि आज के जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है कि जो कॉर्पोरेट वर्ड है या जो जस्ट लाइक कि जो मार्केट है उसके अंदर जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले कैसा होने वाला है, दैट इज फर्स्ट इज एन कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी पड़ेगी फॉर एन सिक्योरिटी पर्पज और जस्ट लाइक फॉर बेटर लॉजिक। जो हम एप्लीकेशन है सिमिलर मल्टीपल्स एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है, सो यूज़र हमारा एप्लीकेशन क्यों लेंगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर उसकी सब नीड फुलफिल होने वाले हैं एंड साइमल्टेनियसली जो लॉजिक होगा उसका, वो लॉजिक हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले, ये लॉजिक को हम यहाँ पे फुलफिल करने वाले, सो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन उसके वजह से बनने वाला है। देन सेकेंड इज एन स्केलेबल, ओके, अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ यूजर्स हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा या हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्केल अप एंड स्केल डाउन होना चाहिए। जैसे लाइक एक पर्सन है जिसने या इंटरप्राइज है उसने जो एप्लीकेशन है फॉर एन 100 यूज़र के लिए लिया है, बट आफ्टर 6 मंथ उसके 100 के 1000 यूज़र हो गए या 500 हो गए। सो उस सिनारियो के अंदर हमें क्या करना है, उस एप्लीकेशन की जो लेंथ होगी या एप्लीकेशन की जो विड्थ होगी, बैंडविड्थ, जैसे लाइक हम उसको पास ऑन करते, तो वो हमें स्केल अप करने के लिए आने चाहिए या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कि जैसे लाइक कि एक ऑनलाइन सेल का एग्जांपल हम देख सकते हैं कि फॉरेन सेल पर्पस क्या होता है, जो यूजर्स की ट्रैफिक होता है कि वो स्पेसिफिकली वो वीक के लिए या मंथ के लिए इंक्रीज हो जाता है देन ऑटोमेटिकली बाद में कम हो जाता है। तो सिमिलर उसके अकॉर्डिंगली भी जो स्केल अप स्केल डाउन हमें इसके अंदर करने आने चाहिए। देन थर्ड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड कि मल्टीपल्स यूजर्स होते हैं, जैसे कि अभी जो कोविड सिचुएशन है कि अब इन कोविड सिचुएशन जो नंबर्स ऑफ यूजर्स है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारा सॉफ्टवेयर है डिस्ट्रीब्यूटेडली इन द सेंस हर एक यूजर को उसके ओन प्लेस के पास से भी उसको एक्सेस करना आना चाहिए। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज इन द सेंस एक ही प्लेस के ऊपर एक ही सिस्टम के अंदर हम परफॉर्म करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल सिस्टम हो सकता है या मल्टीपल नेटवर्क थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा एप्लीकेशन हम डिजाइन करने वाले या इन इंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एन कंपोनेंट बेस्ड एंड मिशन क्रिटिकल। ओके, दिस इज ऑल्सो एन कंपोनेंट बेस्ड, इनसे उसके लिए हमें प्री डिफाइंड कंपोनेंट लेंगे, तो उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हमारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। एंड मिशन क्रिटिकल, जो पॉइंट ऑफ मोमेंट के टाइम पे ऊपर हमने एक्शन परफॉर्म किए उसी टाइम के ऊपर वो एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, दे मे बी डिप्लॉय ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म। जैसे लाइक वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म में हर एक नंबर्स ऑफ यूजर्स है हमारे पास या नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज है, तो हर एक के पास सेम ऑपरेटिंग सिस्टम सेम वर्जन अवेलेबल नहीं रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय, सो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, जैसे कि विंडोज XP 7 विस्टा विंडोज 10 विंडोज 12 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है।
तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, या लिनक्स भी हो सकता है, कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगी, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंपेटेबिलिटी रन होने वाला हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन डिजाइन करना, दैट इज एन इंटरप्राइज एप्लीकेशन। ओके, एंड वो जो प्लेटफॉर्म होगा वो अक्रॉस एनी नेटवर्क और इंट्रानेट इंटरनेट के ऊपर वर्क होना चाहिए। क्या वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मेनली इंटरनेट एंड इंट्रानेट? सिंपल है, द इंटरनेट आर यूज फॉर एन पब्लिक, इंट्रानेट फॉर एन प्राइवेट एंड नॉर्मल कॉपरेट इन द सेंस जिसके अंदर हम दोनों भी यूज कर सकते हैं, कि इंटरनेट एज वेल एज इंट्रानेट। ओके, तो ये बेसिक था हमारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज द आर्किटेक्चर। ओके, आर्किटेक्चर भी बेसिक की फंडा इसके अंदर लिया गया है, जैसे कि जो भी देखते। ओके, सो व्हाट इज एन आर्किटेक्चर? द डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी टायर एप्लीकेशन मॉडल कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरप्राइज एप्लीकेशन, कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉरी इंटरप्राइज आर्किटेक्चर इज एक्सटेंशन कंसेप्ट ऑफ मल्टी टायर आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज एन मल्टी टायर और एप्लीकेशन मॉडल, नेक्स्ट चैप्टर में आपको फुल डिटेल में आने वाला है, कि डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ एंड टायर्स, जैसे कि सिंगल टायर, टू टायर, थ्री टायर एंड मल्टी टायर, कि फोर टाइप्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले। सो वो टायर का कंसेप्ट हम उस समय देखेंगे। फिलहाल टायर्स इन द सेंस क्या होगा, नंबर्स ऑफ लेयर्स या सर्विस के जो भी लेयर्स है वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो कौन कौन से लेयर्स इसके अंदर हम कवर कर सकते हैं, जस्ट लाइक देखते हैं कि फर्स्ट हम देखते हैं कि उसके पहले व्हाट आर द एप्लीकेशन लॉजिक। तो एप्लीकेशन लॉजिक इट इज एन कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड वेरियस एप्लीकेशन कंपोनेंट पुट टुगेदर मेक अप द इंटरप्राइज एप्लीकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट जैसे डिफरेंट लेयर्स इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे। सो कौन कौन से लेयर्स इंटरप्राइज के अंदर हम कवर करने वाले, सो दैट इज एन क्लाइंट लेयर, वेब लेयर एंड बिजनेस लेयर एंड लास्ट इंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स लेयर। ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ लेयर। फर्स्ट क्लाइंट लेयर क्या है, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, रन ऑन अ क्लाइंट मशीन, जैसे कि जो हमारी क्लाइंट मशीन है या एम्प्लॉय की मशीन है उसके ऊपर रन होने वाला एक मैकेनिज्म होगा, एप्लीकेशन होगा, दैट इज एन क्लाइंट टायर। सेकेंड इज अ वेब टायर, इन द सेंस जो हमारा वेब सर्वर होगा जिसके अकॉर्डिंगली हमें जो भी कंटेंट होगा जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करे उसके अकॉर्डिंगली हम पास ऑन करने वाले, दैट इज एन वेब टायर। थर्ड इज एन अगेन बिजनेस टायर, सो बिजनेस टायर्स ऑल्सो रन ऑन द सर्वर। एंड फोर्थ इज एन इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, दैट्स रन ऑन EIS, जो हमारे इंफॉर्मेशन है प्री डिफाइंड, कोई इंफॉर्मेशन हमारे इंटरप्राइज के अंदर स्टोर की होगी हमने, दैट इज एन इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि वॉट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फॉर एन इंटरप्राइज डेवलपमेंट, कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस भी सिंपल है, तो फाइव चैलेंजेस है। सो फर्स्ट चैलेंज, ओके, कोई भी एप्लीकेशन हम डिजाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ तो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो फर्स्ट इट इज एन प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी, जैसे कि अभी देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है, तो हर कोई यूजर सेम 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 जो एप्लीकेशन क्रिएट करेगा तो उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। सो यहाँ पे हमें वैल्यू कब मिलने वाले, जब हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोडक्टिव होगी, कुछ तो नया होगा उसके अंदर, डिफरेंट होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम को यहाँ पे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दैट इज एन प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए। देन सेकेंड इज एन रिस्पॉन्ड टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स हमें क्या करना है, उनकी डिमांड यहाँ पे फुलफिल करनी आनी चाहिए। कि जैसे कि कौन से भी मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो यूज़र होगा या एम्प्लॉय होगा, क्लाइंट होगा, उसकी डिमांड आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या है उसको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, दैट इज एन रिस्पॉन्ड टू डिमांड। देन नेक्स्ट इज एन इंटीग्रेशन विद एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, ओके, प्रीवियस जो सिस्टम होगा, प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज है तो उससे मैचिंग वाला होना चाहिए। कि जस्ट लाइक एक इंटरप्राइज है उसके अंदर कोई पहले से सॉफ्टवेयर, मतलब दूसरे वेंडर से वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज करे, बट जो उसका जो बैकअप होगा, उसका जो डेटा होगा, उससे ही मैचिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो कॉमनली जो भी डिफरेंट टाइप्स के
पास हो गए तो उसको उसके साथ एग्जिस्टिंग जो सिस्टम होगी उसके साथ इंटीग्रेटेड या मैचिंग करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे इंटरप्राइज एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज देन फ्रीडम टू चॉइस। जैसे कि हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं क्लोथ खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, वहाँ भी जो इफ की जो दुकानदार है उसने हमें वराइटीज ऑफ क्लोथ ने दिखाई कि डिफरेंट टाइरिश ने दिखाई, हम वहाँ पे प्रेफरेबल नहीं होंगे उस चीज़ को लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर वराइटीज ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस वेंडर को नहीं मिलेंगे एक टास्क को कंप्लीट करने के, वैरायटीज ऑफ एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे। सो वेंडर होगा वो हमारी वेबसाइट चॉइस या जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट नहीं करेगा। उसके रिगार्डिंग जैसे कि डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट चॉइसेस हमें हमारे वेंडर और क्लाइंट को यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, हमारे वेबसाइट और इंटरप्राइज को यूज कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द मेंटेन अ सिक्योरिटी। इजी वे टू सिक्योरिटी मेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो मैकेनिज्म है हमें पावरफुल बनाना पड़ेगा कि जो भी थर्ड पर्सन होगा या अनऑथराइज पर्सन होगा उसको एक्सेस ना कर पाए। या जैसे हम देखते हैं कि जो हैकिंग है वो सारी टेक्निक्स इंक्रीज हो रहे हैं, नए नए वायरस आ रहे हैं, तो उससे भी हमें हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना है, एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना है एंड मेंटेन हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है। इफ कोई डाउट सजेशन क्वेरी होगी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंगली, इस चैप्टर के रिगार्डिंगली, इस पॉइंट के रिगार्डिंगली, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर, तो इसके थ्रू आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। एंड बेल आइकन को क्लिक किया तो एट अ मोमेंट ऑफ टाइम्स आपको यहाँ पे क्विकली अपडेट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।